हेलो दोस्तों, वेलकम इन सेफ्टी वॉरियर्स। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी डेट अनाउंस हो गई है, लगभग नवंबर में आपको एक पर्टिकुलर डेट मिल जाएगी। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी फायर फाइटर्स ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और सब जोर शोर से जो भी मेहनत कर सकते हैं सारी मेहनत कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि फिजिकल ट्रेनिंग हो या प्रैक्टिकल हो, आपको कुछ दिनों में परफेक्शन नहीं आ सकता है, उसके लिए आपको टाइम देना होता है। तो अभी हमारे पास में लगभग 2 महीने हैं, तो 2 महीने के अंदर हमें सब कुछ कर लेना है, क्योंकि इसके बाद में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए जो भी फायर फाइटर्स ने पहले भी ट्रेनिंग की थी वो वापस आ चुके हैं और अपनी ट्रेनिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी है और नए स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे सभी तरह के इक्विपमेंट है, सभी तरह की फैसिलिटीज है और स्टूडेंट्स अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। दोस्तों, अगर टाइम रहते, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो जितनी भी मेहनत अभी तक आपने की है वो सब कुछ बेकार चली जाएगी, क्योंकि जब आप ग्राउंड में आते हैं तब आपको पता चलता है कि आप कितने परफेक्ट हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके पास में और कौन सी प्रायोरिटीज़ है। अगर आपको गवर्नमेंट नौकरी की प्रायोरिटीज़ है, अगर आपने इसके लिए इतना टाइम दिया है, तो अब आपको वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि नवंबर में के फर्स्ट वीक में शायद डेट दे देंगे, उसके बाद में लास्ट नवंबर तक आपके एग्ज़ाम हो जानी है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख के अभी आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और फिजिकल एक्टिविटी जो है उसको तो बिल्कुल भी आपको रोकना नहीं है। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर में जाके प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, स्टूडेंट्स अपनी अलग अलग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई फर्स्ट एड की प्रैक्टिस कर रहा है, तो कोई स्ट्रेचर मैनेजमेंट कर रहा है। ये बहुत बड़ा रूम है जहाँ पे हमारे ट्रेनिंग की जो इंडोर एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे होती हैं। इसके अलावा जो होज की प्रैक्टिस है वो आउटडोर एक्टिविटीज़ है, बाहर में ग्राउंड है। इसके अलावा हमारे पास बहुत अच्छा ग्राउंड है जहाँ पे रनिंग के लिए 400 मीटर 800 मीटर के ट्रैक बने हुए हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं और रॉक क्लाइंबिंग के लिए सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन जॉइन सेफ्टी वॉरियर्स। अभी सीकर में हमारा सेंटर चल रहा है, तो सीकर में जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं वो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए सेपरेट फैसिलिटीज़ हैं। रहने के लिए बहुत अच्छा दिया हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास में अच्छा रहने के लिए खाने के लिए नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ अचीव नहीं हो पाएगी, क्योंकि अधिकतर तो आप बीमारी रहोगे। तो बीमारियों से दूर रहना और इस वक्त प्रायोरिटीज़ आपकी होनी चाहिए कि बेहतर फैसिलिटीज़ हो और आप उन फैसिलिटीज़ के साथ में अपने सिर्फ काम पे फोकस कर सकें। तो मैं यहाँ का थोड़ा सा हॉस्टल के बारे में बता देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं हॉस्टल रूम में, जहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरह से बेड वगैरह दिए हैं और प्रॉपर गद्दे वगैरह दिए हैं। इसके अलावा अलमारी की फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी हुई है, तो सब चीज़ें की फैसिलिटीज़ यहाँ पे होती है, आपकी चार्जर की फैसिलिटीज़ होती है और पूरा वेंटिलेटेड रूम है और फैन वगैरह की फैसिलिटीज़ है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी हुई है। तो हॉस्टल वाइज जो रहने के लिए है तो वो बहुत बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं और वहाँ पे किसी तरह का कुछ इश्यूज़ नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर देख सकते हैं आप, प्रॉपर वॉशरूम्स वगैरह दिए हैं और अलग अलग जो भी है फैसिलिटीज़, आपको बेसिक फैसिलिटी चाहिए वो सारी सारी फैसिलिटीज़ है। वाटर के लिए यहाँ पे पूरी फैसिलिटी दी हुई है और आपके जो वाटर है वो फिल्टर वाटर आता है, तो बहुत बढ़िया है, मतलब किसी तरह की कोई रिस्क भी नहीं है। इसके अलावा मैं आपको मैस के भी विजिट कराता हूँ। दोस्तों, ये मैस है जहाँ पे खाना खाते हैं और यहाँ पे अलग अलग मेन्यूज़ यहाँ पे रहते हैं और हर डे का अलग मेन्यू, नाश्ते के लिए अलग मेन्यू है, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे रहती है। तो बहुत ही हाइजीन ध्यान रखा गया, हाइजीन यहाँ पे मेंटेन रहती है, तो प्रॉपर तरीके से खाना मिलता है, प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, तो किसी तरह का इश्यूज़ नहीं है। तो आपकी फूड फैसिलिटी होगी, अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ होगी और ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ होगी। तो ये ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इस वक्त, जो कि हमारे ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। ये यहाँ पे ऊपर की छत है जहाँ पे कि शाम को खाना खाने के बाद में आप टहल सकते हो, तो ये भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि सर्दी आ रही है तो धूप भी आपको चाहिए, तो उस तरह की फैसिलिटीज़ भी हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, अब इम्पोर्टेंट है कि आपको किस तरीके से और कितना टाइम आपको इसमें देना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मिनिमम एटलीस्ट 2 से 3 महीने आपको स्पेंड करना चाहिए, 2 महीने तो मिनिमम स्पेंड आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नवंबर में आपका प्रैक्टिकल होना है तो ऑब्वियसली अब अक्टूबर से आप प्रिपरेशन करेंगे तो ही जाके वो चीज़ें अचीव कर पाएंगे जो भी चाहते हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन जॉइन सेफ्टी वॉरियर्स। दिस इज़ द सेंटर एट सीकर, यहाँ पे आइए और आप प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग कीजिए और जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं सारी यहाँ पे आपको मिलेंगी।
ट्रेंड ट्रेनर मिलेंगे और इसके अलावा आपको अदर फैसिलिटीज तो आप देख ही चुके हैं. सो व्हाई आर यू वेटिंग फॉर? सो वेलकम इन सेफ्टी वॉरियर्स वंस अगेन. थैंक यू.